आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। श्रीमद् भागवत महापुराण में धूमधाम से मनाया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जबलपुर किशोरी वैष्णवी गर्ग जी के मुखारबिंद से स्वर्गीय श्री राघवेंद्र प्रसाद गौतम जी को पुण्य स्मृति में चाचा किराना स्टोर सिद्ध बाबा वार्ड में गौतम परिवार द्वारा चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा व्यास किशोरी वैष्णवी गर्ग जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव देव की बंधन मुक्त हो गए। प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। कृपा न होने पर प्रभु मनुष्य को सभी सुखों से वंचित कर देते हैं। चौथे दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। उन नन्हे बालक को कृष्ण के रूप में सजाकर पंडाल में लाते हैं। जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंज उठे। भक्तों ने बाल कृष्ण को दुलार किया। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर आरती की गई। कथावाचक किशोरी वैष्णवी गर्ग द्वारा किया जा रहा है। कथावाचक ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर उनके जन्म का उद्देश्य भी बताया। भगवान का जन्म होने के बाद वासुदेव ने भरी यमुना पार करके इन्हें गोकुल पहुंचा दिया। वहां यशोदा के यह फायदा हुई, शक्ति रूपा बेटी को लेकर चले गए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गीत पर एक एवं संगीतकारों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर यश घनघोरिया संजय सिंह ठाकुर द्वारा भागवत जी का पूजन कर कथा व्यास का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आए माताएं बहने व भक्तगण उपस्थित थे। मुख्य यजमान श्रीमती मालती पुष्पराज, पप्पू गौतम, संजय सिंह ठाकुर, जयदीप जीतू मिश्रा एवं गौतम परिवार ने आप सभी से कथा श्रवण करने की अपील की है। कथाओं को सुनकर के गज चरित्र और ग्राह चरित्र, उसके साथ साथ अजामिल उपाख्यान, अनेक अनेक कथाओं को श्रवण करके और भक्तों ने आज खूब बढ़ चढ़ के कथा में अपने आकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाया है। तो आप सभी जो भी मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और YouTube चैनल पे लाइव भी आ रहा है, तो आप सभी इसमें श्रवण करें तथा और आकर के इस कथा में धर्म लाभ अर्जित करें। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।